ये देखिए CIS भोपाल ग्राउंड से फायरमैन फिजिकल स्टार्ट हो गए हैं। देखिए रनिंग चल रही है, देखिए किस तरीके से लोग दौड़ रहे हैं। 5 किलोमीटर की रनिंग है ये, और 2.5 किलोमीटर जाके आपको एक टोकन मिलेगा, वो टोकन लेना है आपको। उसके बाद आपको 2.5 किलोमीटर बैक होना है, वापस आना है आपको। देखिए किस तरीके से रनिंग हो रही है, और धूप देखिए किस तरीके से, कितनी तेज़ धूप हो गई है। तो मैंने आपको पिछली बार SSC GD की वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी कि आप जितना जल्दी मॉर्निंग में आएंगे उतना जल्दी आपको फर्स्ट राउंड में आपको दौड़ने के लिए मिलेगा। जो लोग लेट आए हैं वो देखिए ये सेकेंड राउंड है तो उसमें लेट हो गए हैं, तो इसलिए धूप हो गई है। इसलिए आप लोग सुबह जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि टाइम से सेंटर पर पहुँचें आप लोग। देखिए रनिंग, देखिए दौड़ो दौड़ो, अच्छा दौड़ रहे हैं सब लोग। देखिए इसी तरीके से आपको स्लोली स्लोली, ज़्यादा स्टार्टिंग में ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़नी है, इसी तरीके से आपको अपना दौड़ना है एक बेस बना के, ताकि आपको थकान ना हो। ये देखिए ये जो लड़का है सबसे पहले आए हैं, सबसे आगे है ये लड़का। देखिए इतनी बढ़िया रनिंग किया, और स्पीड देखिए उसकी, इसी तरीके से आप लोगों को दौड़ना है। ये देखिए सेकंड जो लड़का है, ये देखिए ये लोग स्पीड देखिए आप लोग किस तरीके की पकड़े हुए हैं, कितने अच्छे से दौड़ रहे हैं। इसी तरीके से आपको जो रनिंग करनी है, देखिए अब आते जा रहे हैं लोग धीरे धीरे। ये देखिए बहुत ही अच्छा दौड़े हैं। धूप 5 किलोमीटर रनिंग बहुत होती है लड़कों के हिसाब से, लड़के तो फिर भी 5 किलोमीटर दौड़ लेते हैं, बट लड़कियाँ इतना नहीं दौड़ सकती हैं क्योंकि लड़कों का फिजिकल अच्छा होता है। ये देखिए रनिंग लग कंप्लीट करके लौट रहे हैं। कम से कम 70-80 लड़के दौड़े हैं एक राउंड में। ये देखिए अच्छी स्पीड में आ रहे हैं लोग, बढ़िया है। वीडियो के एंड तक बने रहे हैं, और देखिए ये देखिए आते जा रहे हैं धीरे धीरे, बढ़िया है। इसी तरीके से आपको भी दौड़ना है, और इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को। ये देखिए ये CISF ग्राउंड है भोपाल का, जिसका ये भोपाल सेंटर आया हो तो उनको यहीं पे आना है रनिंग करने के लिए। देख सकते हो ये देखिए आते जा रहे हैं लोग, धूप थोड़ी तेज है क्योंकि सेकेंड राउंड है और धूप भी हो गई है, फर्स्ट राउंड में इतनी धूप नहीं थी। वहाँ तक जाना है, बस एंड है टाइम आप होने वाले हैं। ये देखिए लड़का गिर गया है, टाइम अप हो चुका है इसलिए उसने उम्मीद छोड़ दी है, बट अभी भी कुछ सेकंड बाकी हैं, अगर दौड़ सकते हैं तो दौड़ जाएंगे, कुछ नहीं हो सकता। बहुत बुरा लगता है यार, इतना करीब आ गए अपनी मंजिल के, एग्ज़ाम क्लियर करो, उसके बाद फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, और अगर आप उसमें रह जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बट मेहनत करनी है और आगे।